Okay, I want you to rant about chess. Start. I have always been a very big fan of chess. Please, इस टाइमर को हटा दो, मैं ढंग से बात कर लूंगा. अब तुम बस बैठ जाओ आराम से. मैं कल परसों अपनी एक पार्टी में लिटरली पूरी पार्टी के बीच में एक चेस बोर्ड लगा के अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था. And people were coming and they were like, तू रखकर क्या कर रहा है? What is the sense of playing chess at a party जहां पे सब लोग enjoy कर रहे हैं, म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं. And I was like, मेरे को लगता है लोगों को समझ नहीं आता exactly कितना आर्टिस्टिक है चेस का पूरा प्रोसेस. If I did not play chess back in the day 3, 4, 5, 6, 7, मेरा the way I think about things, the way चीजें मेरे दिमाग में अपीयर करती भी नहीं. I understand therefore before we had military strategy, before we had rant is against chess, not in favor of chess. Ranting का मतलब होता है that you're disapproving something. Chess is so boring, you should never play it, you never meet interesting people playing chess, that kind of stuff. I can do that. Yeah, you have to just rant about chess. Do we want to check that definition out? Let me check that definition out. Let's check it. Rant meaning. First word, disapproving. To speak or complain about something. थोथी निंदा इन हिंदी. थोथी निंदा करनी है. थोथी निंदा चेस की, तो शतरंज की थोथी निंदा करने के लिए हम आ गए हैं. हम आपका स्वागत करना चाहते हैं इस मंच पर. हमारा नाम है प्रखर गुप्ता, आप हमारे आज दर्शक हैं. हम थोथी निंदा के पर्पस से आए हैं, आज हम चेस की थोथी निंदा करेंगे. आप प्लीज टाइमर ऑन कर दीजिए. कोई बड़ापन नहीं है शतरंज खेल के खिलाड़ियों में. छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं. ऊंट मर गया, वजीर मर गया, घोड़ा मर गया, प्यादा मर गया. तुम किसी को अपना प्यादा बनाते कैसे हो? तुम इस लेवल का कंट्रोल किसी पे इमेजिन कर कैसे सकते हो कि तुम्हारे 8 प्यादे हैं? बोल, एक भी नहीं, पेट नहीं भरता तुम्हारा नौकरों से, 8 प्यादे. और उन प्यादों से तुम करवाते क्या? या तो हम तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे. देखो डिसगस्ट, एक तो लेवल ऑफ डिसगस्ट देखो. या तो हम तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे एंड में, नहीं तो तुम्हें हम सैक्रिफाइस कर देंगे, हम तुम्हें मरने देंगे, एक्सचेंज कर देंगे. ये आदमी का थोथापन है, ये थोथी निंदा है चेस की, ठीक है? और फिर करते क्या है, चेस के खिलाड़ी बैठ के एक दूसरे के सामने मुंह लगा लेते हैं, ठीक है? घंटे घंटे तक बोर्ड देखते रहते हैं और प्रिटेंड करते हैं हम कितने इंटेलिजेंट हैं. हमें पता है, ओ, बिशप F6, नाइट C2, है? क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हें क्या लग रहा है, किसी को मजा आ रहा है सुनने में? किसी को लग रहा होगा, ओ, कितनी स्ट्रेंज लैंग्वेज. नहीं, लोग कहते तुम बेवकूफ हो. ये शतरंज के खिलाड़ियों का ये पैतरा है. मैं बचपन से कर रहा हूँ, 3 साल की उम्र से वाला थोथापन कर रहा हूँ. थोथापन, ओह गॉड. ये थोथी निंदा है शतरंज की. मैं समय के बारे में ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहता, बट समय ने शतरंज बहुत पॉपुलर कर दिया. इस वजह से कई घूमने लगे हैं आसपास ऐसे थोथापन करते हुए. यहाँ से वहाँ कई लोगों में ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया कि हम शतरंज को लेकर थोथापन करेंगे और लोग हमें बोलेंगे वाओ शतरंज. पर नहीं, ऐसे नहीं चलता दोस्त. तुमने जबरदस्ती की बातें बना रखी कि चेस से हमें कुछ सीखने को मिलता है. कुछ सीखने को नहीं मिलता. चेस टाइम पास है, उसको टाइम पास की तरह ट्रीट करो. और अपने आप को इतना बढ़ावा मत दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रखो अपने लाइफ में, ज्यादा उड़ो मत. अब हम बात करते हैं असली, जो तुम्हारे इश्यूज है मेंटली, जो तुम छुपा रहे हो हमसे, ठीक है? जो तुम पीछे से किसी को बताना नहीं चाहते कि तुम्हें घर पे कितनी डांट पड़ी, उस चक्कर में तुम्हें कितना ऐसे वैलिडेशन की जरूरत है. ये करना बंद करो, ठीक है? इससे कुछ नहीं होगा लाइफ में. अलाउंगा मैं चेस, रुक जा, लास्ट 5 सेकंड में चेस घूमने वापस. मतलब तुम इतने मतलब इतना तुमको डांट पड़ी हो, तुम इतने सैड हो, तुम इतने इनसिक्योर हो, बस कि तुम शतरंज खेल रहे हो, ढूंढ रहे हो, हैं? टाइम आउट. थोथे थोथे थोथी निंदा. ओह गॉड, प्रखर ओपी इन द चैट.